हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को लाल किले की प्रचार से 10 बड़े ऐलान किए। उस 10 ऐलानों में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी शामिल है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर होने की बात कही और साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल कहने की बात कही थी। इसका अर्थ ये है कि अब हमारे ही देश में स्वदेशी वस्तुएं बने, स्वदेशी वस्तु खरीदे जाए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत से मजबूत हो सके। आत्मनिर्भरता अभियान के दौरान हमें खुद के हर काम के लिए आत्मनिर्भर होना होगा, जैसे कि देश में उपयोग होने वाली वस्तुएं, मेडिसिन या फिर कपड़े। अधिकतर वस्तुओं का उत्पादन हम स्वयं करें, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी में उन्होंने अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी ऐलान किया है। हर भारतीयों को हेल्थ कार्ड देने वाली नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी बड़ी योजनाओं के तत्काल प्रभाव से शुरू होने की भी उन्होंने घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन पर चर्चा करते हुए कहा कि एक नहीं तीन तीन वैक्सीन पर काम चल रहा है। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने सुबह 7 बजे से 9 बजे तक करीब 1.5 घंटे लंबा भाषण दिया। आइए जानते हैं कि क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र दिवस के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया, ये घोषणा की कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर। उन्होंने कहा कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, हर भारतीय को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ कार्ड में समाहित होगी। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये योजना नई क्रांति लेकर आएगी। मोदी ने ये भी देश को बताया कि आज भारत में कोरोना के एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसे हरी झंडी मिलेगी, देश में उस वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तैयारी होगी। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10 ऐलानों में से शहरों से प्रदूषण खत्म करने की योजना की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के 100 चुने हुए शहरों में से प्रदूषण कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ एक विशेष अभियान पर भी काम हो रहा है। दोस्तों, अगर हमारे प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए इतना कुछ सोचकर बड़े बड़े अभियान शुरू कर रहे हैं, तो हमें भी एकजुट होकर इस अभियान में भाग लेना होगा और इस अभियान को पूरा करने में सहयोग देना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो मैं जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।